वेलकम टू ऑनलाइन और ऑफलाइन ज्ञान चैनल। माय नेम इज गौरव। दोस्तों, आज जो मैं आपके लिए जॉब की अपॉर्चुनिटी लेकर आया हूँ, ये BSF सीनियर सेकेंडरी स्कूल की जॉब है। यहाँ पर 8वीं पास के लिए भी नौकरी है और टीचर की भी वैकेंसीज है, जो PGT और TGT के लिए है। और यहाँ पर जो है ये जो जॉब है जम्मू एंड कश्मीर की है। दोस्तों, मेरे से यहाँ के भी कैंडिडेट बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे, इसलिए मुझे जो है यहाँ की भी अपडेट लानी पड़ी। मैं जो ये अपडेट आपको मॉर्निंग में ही दे देता, लेकिन डिपार्टमेंट से मुझे एक चीज़ कंफर्म करनी थी, ये ऑल इंडिया लेवल से आप इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं या फिर जम्मू एंड कश्मीर के ही कैंडिडेट यहाँ पर जा सकते हैं। तो मैंने उनसे कंफर्म किया, तब जाके मैं जो आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ कि ये जो है ऑल इंडिया लेवल से है, आप जो है किसी भी स्टेट से यहाँ पर इंटरव्यू के लिए आ सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं, कहाँ पर जाना है, कैसे जाना है, क्या क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, फॉर्म आपको कैसे मिलेगा, कौन सा फॉर्म लेके जाना है, तो ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा इसमें आपको। सबसे पहले जो है मैं आपको यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया बता दूँ और पोस्ट कौन कौन सी है, सैलरी कितनी है, एज क्राइटेरिया क्या है, ये सब हम डिस्कस कर लेते हैं पहले, उसके बाद हम नीचे वाले पार्ट पर चलेंगे। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर PGT फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन की बात करते हैं। इसमें जो है आपका मास्टर इन फिजिकल एजुकेशन, जिसमें आपके मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। यहाँ पर एक्सपीरियंस भी मांगा है 3 साल का, लेकिन कंपलसरी नहीं है, डिजायरेबल है, एक और बार बता देता हूँ। उसके बाद जो है यहाँ पर आपकी सैलरी 27,500 रुपये पर मंथ बोल रहे हैं, जो कंसोलिडेटेड आपको दी जाएगी। और आपकी एज जो है 40 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 31/3/2018 तक। अगर आपकी 31/3/2018 को आपकी 40 से ऊपर जाती है तो आप इसके लिए इंटरव्यू के लिए नहीं जा सकते। अब हम बात करते हैं PGT की। तो PGT पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो इसमें भी वही क्राइटेरिया है यहाँ पर, लेकिन मास्टर इन पॉलिटिकल साइंस विद मिनिमम 50% मार्क्स एंड BEd साथ में मांगा हुआ है। और यहाँ पर एक्सपीरियंस भी मांगा है 3 साल का, लेकिन कंपलसरी नहीं है। सैलरी वही है जो ऊपर है, एज क्राइटेरिया भी वही है जो ऊपर है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर TGT की। TGT के लिए सोशल साइंस की वैकेंसीज है, जिसमें आपका BA कंप्लीट होना चाहिए 2 सब्जेक्ट के साथ। इनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट में आपने जो है आपके BA में होने चाहिए और साथ में आपके 45% मार्क्स होने चाहिए, तब जाके आप जो है यहाँ पर इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। और साथ में आपका यहाँ पर BEd भी कंपलसरी मांगा है। उसके बाद यहाँ पर एक्सपीरियंस 2 साल का है, लेकिन कंपलसरी नहीं है। सैलरी थोड़ी कम हो गई PGT से, कोई बात नहीं, 1,500 रुपये कम है। उसके बाद जो है 35 साल आपकी मैक्सिमम एज यहाँ पर रखी हुई है। अब बात करते हैं यहाँ पर फीमेल सुपरवाइजर की। ये जो पोस्ट है ये सिर्फ फीमेल के लिए, मेल के लिए नहीं है, बाकी सारी मेल के लिए भी है। और बाकी यहाँ पर 8वीं पास का क्राइटेरिया रखा हुआ है। अगर आप 8वीं पास है तो आप जो है यहाँ पर जा सकते हैं इंटरव्यू के लिए, लेकिन इंटरव्यू से पहले आपको एक फॉर्म फिल करके भेजना पड़ेगा। तो वीडियो के साथ बने रहें ताकि मैं आपको बता सकूं कि किस तरीके का फॉर्म है और फॉर्म कैसे मिलेगा आपको। तो यहाँ पर 1 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा है। अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तब भी जा सकते हैं आप, क्योंकि ये डिजायरेबल है। सैलरी 10,000 मिलेगी आपको कंसोलिडेटेड। दोस्तों, 8वीं पास के लिए 10,000 सैलरी है, ये इनफ है, वो भी लड़कियों के लिए। और यहाँ पर 18 से 25 साल जो है आपकी एज रखी हुई है। अब हम बढ़ते हैं आपको कैसे कहाँ पर जाना है ये बात कर लेते हैं। तो अब जो है यहाँ पर आपका इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल कैंडिडेट में वॉक इन ऑन 22/3/2018, यानी 22 मार्च 2018 को आपको इंटरव्यू के लिए जाना पड़ेगा फॉर द पोस्ट ऑफ PGT, यानी दोनों PGT की पोस्ट के लिए और TGT की पोस्ट के लिए जो है आपको जाना पड़ेगा इंटरव्यू के लिए। आपको कब जाना पड़ेगा, 22 को मैंने बता दिया, 22 मार्च को जाना पड़ेगा। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने, आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन के, चाहे वो PGT के रिलेटेड हो, चाहे वो आपके TGT से रिलेटेड हो, जिस पोस्ट के लिए आपको जाना है, उससे रिलेटेड आपके सारे डॉक्यूमेंट जो है होने चाहिए। बाकी एक फोटोग्राफ और जो है आपके साथ में जो भी रिलीवेंट डॉक्यूमेंट्स है वो लेकर जाने हैं। और बाकी एक चीज़ आपको जो है फॉर्म आपको भेजना भी है, कहाँ पर भेजना है यह भी आपको आगे बताऊंगा कौन सा फॉर्म भेजना है। पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, यहाँ पर जो है हम बात करते हैं फीमेल स्वीपर की। फीमेल स्वीपर के लिए आपको 23 को जाना है, ठीक है। फीमेल स्वीपर के लिए आपको 23 को जाना है 8:30 बजे मॉर्निंग में इन BSF सीनियर सेकेंडरी स्कूल पलोरा जम्मू। एप्लीकेशन फॉर्म भी आपको सबमिट करके भेजना पड़ेगा, कहाँ पर भेजना है, एक मेल आईडी पर भेजना है, यह भी आपको आगे बताऊंगा। 17/3/2018 से पहले वो फॉर्म वहाँ पर पहुँच जाना चाहिए। तो फॉर्म तो आपका 2 मिनट में ही पहुँच जाएगा। आप ऐसा करें, कैम स्कैम आता है उससे सारी फोटोएँ खींच लीजिए डॉक्यूमेंट की और अपना PDF क्रिएट करके उस PDF को आप जो है मेल आईडी पर भेज देना, जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे। उसके बाद जो है यहाँ पर हम नीचे आते हैं। पहले एक बात बता दूँ, ये कॉन्ट्रैक्ट बेस की जॉब है, ये परमानेंट नहीं है। जम्मू एंड कश्मीर के लिए तो बहुत अच्छी जॉब है, लेकिन आप अदर स्टेट से भी कर सकते हैं। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि जम्मू एंड कश्मीर के ही इसके लिए अप्लाई करें। बाकी अगर आप अदर स्टेट से आना चाहते हैं तो अच्छी बात है, ऐसा कोई इशू नहीं है कि आप नहीं आ सकते।
अब हम बात करते हैं यहाँ पर ये वाले पार्ट की कि आपको जो है एक मेल आईडी पर अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट भेजने पड़ेंगे जो मैंने आपको ऊपर बताए, जो भी रिलीवेंट डॉक्यूमेंट्स है। फिर भी आपको नहीं समझ आता कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको भेजने हैं तो मेरे को कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, मैं लिस्ट दे दूंगा आपको डॉक्यूमेंट की कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके यहाँ पर भेजने पड़ेंगे, वो भी 17/3/2018 से पहले पहले आपको डॉक्यूमेंट भेजने हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने फॉर्म की ओर। तो ये फॉर्म है, ये फॉर्म आपको कैसे मिलेगा अभी मैं बताता हूँ, पहले आप इसका व्यू देख लीजिए एक बार। तो इस तरीके का ये फॉर्म है, इसके साथ जो है डिफरेंट डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स आपके अटैच होके जो है भेजने पड़ेंगे आपको। अभी मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट ये फॉर्म भर के आपको भेजना है। तो साथ में डॉक्यूमेंट भी लगेंगे, 3-4 डॉक्यूमेंट लगेंगे, ज़्यादा नहीं लगेंगे, तो देख लेना एक बार। मैं लिस्ट दे दूंगा आपको, जो जो कैंडिडेट चाहते हैं कि इसके लिए अप्लाई करना वो मेरे को एक बार बता देना, मैं डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट जो है एक बार कमेंट बॉक्स में या फिर डिस्क्रिप्शन में मेंशन करके दे दूंगा। अब बात करते हैं ये फॉर्म आपको कैसे मिलेगा। तो मैंने एक वेबसाइट दे रखी है डिस्क्रिप्शन में, ये इस तरीके की वेबसाइट है। आप जैसे ही इस लिंक पे क्लिक, एक लिंक दे रखा है मैंने, जैसे ही इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो स्क्रॉल डाउन करना थोड़ा, आपको जो है इस वाले पार्ट पे क्लिक करना है, डाउनलोड फॉर्म फ्रॉम हेयर, यहाँ पे क्लिक करना और आपका फॉर्म जो है डाउनलोड हो जाएगा। और जो जो प्रिंट आउट आपको निकलवाने हैं वो आप निकाल लेना फॉर्म के, और आपको स्कैन करके उसको भेज देना। कहाँ पर भेजना है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, एक बार मैं मेल आईडी दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से कंफर्म हो जाए कि आपको कहाँ पर भेजना है। यहाँ पर भेजना, ठीक है, ये मेल आईडी देख लीजिए। सो धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए, और प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को शेयर कर देना ताकि दूसरे कैंडिडेट्स की मदद हो सके, और जो अगर जम्मू के हैं वो इंटरव्यू के लिए ज़रूर जाएं, बाकी अगर आप दूसरे स्टेट के लिए तो एक बार सोच लीजिए, मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाइए कि आप इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तब जाके आप इंटरव्यू के लिए वहाँ पर जाइए। बाकी मैंने सब कुछ क्राइटेरिया तो आपको बता ही दिया है। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए।